हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और सुबह का भी 5 बज रहा था। मैं सो के उठ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा काम मैं रात में ही करके सोई थी, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार तो पोछा नहीं लगेगा, सिर्फ मंदिर में लगाएंगे, बाकी किचन उचन में लगा लिए थे। और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी और छत पर से फूल भी तोड़ ली थी और कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत मेकअप। क्या हुआ था कि मैं कैमरा ऑन ही नहीं की थी और बहुत सारा फाउंडेशन वाउंडेशन लगा चुकी हूँ, उसके बाद देखी तो कैमरा ऑन नहीं था। तो उसके बाद मैं फटाक से मेकअप कर ले रही हूँ, उसके बाद चलती हूँ डायरेक्ट मंदिर में, क्योंकि 6:30 तक ही एक मुहूर्त था और एक शायद 11 बजे के बाद में है, तो मैं सोचती हूँ कि मुहूर्त में ही सब चीज़ कर लो। तो ये रहा आज का मेरा आउटफिट, यहीं मैं खरीदी थी तीज के कलों के पहनने के लिए, लेकिन मैं नहीं पहन पाई थी क्योंकि मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। चलो उस बात को छोड़ते हैं। आज है नवरात्रि और बहुत ज़्यादा ही आज का मतलब अब बहुत ही अच्छा सुहाना लग रहा है। तो मैं यहाँ पे बिछा रही थी जो रेड कलर का एक कपड़ा था उसे, और मैं माता की मूर्ति पुराना वाला ही ली थी, उसी से पूजा कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड 9 दिन फास्ट करेंगे और मैं सोच रही हूँ पहला और अठवीं करने के लिए, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता इसलिए, और मैं फ्रूट नहीं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी है, तो इसलिए। और मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा, उसके बाद यहाँ पे भी भगवान जी को देख सकते हैं, मैं तोप के रखती। और मेरे ससुराल में कलसा बैठा हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसी तरह मतलब करेंगे फ़ोटो से पूजा। और मेरे हस्बैंड चल जाएंगे अठवीं से ही बैंक बंद होता है, तो अपना चल जाएंगे अपने घर। और क्या, मैं यहाँ पे दीपक लगा रही थी, अखंड ज्योत नहीं जला रही हूँ, बस इतना जितना देर तक जल जाए उसमें कर दूँगी मैं, फिर उसके बाद पूजा कर रही थी। और सच बताऊँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या बताएं, हम ससुराल जाते हैं लेकिन इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, रियली बता रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ मेरा ड्यूटी रहता है खाना पीना यही सब, और उसके बाद में ससुराल में बहुत ज़्यादा मुझे काम भी करना पड़ता है क्योंकि मैं हूँ अभी अकेले, इसलिए। तो देख सकते हैं फाइनली यहाँ पर भी पूजा कर ली है और यहाँ पर भी कर ली है। और बाकी रह गए मेरे हस्बैंड, तो अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे, फिर उसके बाद उनके साथ आरती करेंगे। तो आरती वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ था और यहाँ पे मैं धूप के लिए जला रही थी, क्या कहते हैं, गोहरा को। और उसके बाद क्या, चलती हूँ अब फलाहारी बनाएंगे, तो पूजा पाठ हो गया, मैं रिकॉर्ड नहीं की थी आरती वाला। और देख सकते हैं बनाना था साबदाना, उसके बाद यहाँ पे बना रही हूँ चाय, और किचन में नहीं ले जा रही हूँ किचन, क्योंकि मेरा किचन देखा जाए तो शुद्ध नहीं है, इसलिए मैं बाहर ही बना ले रही हूँ। और हम लोग 2 आदमी रहते हैं तो क्या कुछ करना, ज़्यादा सो अपने, इसलिए। तो मैं यहाँ पे बना रही थी साबदाना को, सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसमें पता नहीं दूध कम था कि पानी कम था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी जिस तरह हुआ बना लिए, लास्ट में चल के बहुत ही टेस्टी अच्छा बना था। अब देखते हैं क्या कुछ करते हैं, मैं बैठ के यहाँ बना रही हूँ, यहाँ पे पूजा वाला है, उसी में मैं हॉल को एकदम से पूजा पाठ का ही माहौल कर दी हूँ, इसी में जो भी कुछ होगा। और बाकी दोपहर में रामदाना भुनेंगे और उसके बाद बादाम वदाम भुनेंगे। तो देख सकते हैं ये फाइनली बन के हो गई है रेडी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। सो फाइनली फलाहार भी बना ली थी, उसके बाद बना ली, पूजा पाठ भी हो ही चुका था, और मेरे हस्बैंड मतलब कि फरार करके ऑफिस चल गए। अब देख सकते हैं पूजा भी कर ली, इधर थोड़ा सा लाइट ऑफ है, तो इधर लाइट नहीं आ रहा है, मेरा ट्राइपॉड भी चूहा ने काट दिया है। तो सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या कहना, यहीं पर मैं बना रही हूँ पूजा का सामान, क्योंकि चूल्हा पे मैं मतलब कि चूल्हा पे मैं कुछ बनाती थी, मतलब मीट मछली बनाती थी, तो उसको तो बना नहीं सकती हूँ। अब सोच रही हूँ इस ब्लॉग को कर दो एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैप्पी नवरात्रि।